नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच नंबर 8 को लेके, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कल का जो मैच रहा वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड मैच रहा। बैटिंग के लिए बढ़िया पिच होने के बावजूद जो पूरा मैच है वो बॉलर्स के फेवर में रहा, और जो आज का मैच है वो भी सेम मैदान और सेम पिच पे खेला जाने वाला है। तो आज के मैच में क्या कुछ हो सकता है, आगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप के कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पे अभी 1,00,000 रुपए का गिवअवे चल रहा है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा और आपको उन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। जो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देगा उन सब में से मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे और उन दोनों को मेरी तरफ से 5,000 रुपए मिलेंगे। बस कंडीशन ये रहेगी कि सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाके उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन क्या होंगे ये आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगे, और कल के मैच के जो कल के गिवे के विनर है उनके नाम भी मैं आगे अनाउंस कर दूंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माय शो रिलेवन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जो कि एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जहां पे आपको ज्यादा क्रेडिट पॉइंट का इश्यू नहीं होगा। आप 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ भी खेल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मैच में लॉस में जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स भी मिलती है, जहां पे आप लोग उसी मैच की सेकेंड इनिंग्स की टीम भी लगा सकते हैं और अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन पे जरूर खेलिए। डाउनलोड करने के लिए myshow11.com पे जा सकते हो, या फिर आप जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टेट्स को लेके बात करते हैं, और आपको मुझे लगता है कि इन स्टेट्स को कंप्लीटली जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको डायरेक्ट ड्रीम 11 पे लेके चलूंगा, जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच को लेके डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दूं कि फाइनल अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 1,17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन मैचेस को हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं उनकी भी जो ड्रीम 11 की टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। देखिए, वेन्यू को लेके बात करते हैं तो वेन्यू वाइज आप वानखेड़े स्टेडियम ही रहेगा, और वानखेड़े स्टेडियम को लेके अगर हम लोग बात करें तो मैं मानता हूं कि कल का मैच है वो अनएक्सपेक्टेड रहा, लेकिन कल के मैच को देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वानखेड़े का पिच बदल चुका है। नहीं, वानखेड़े का पिच है वो बैटिंग के लिए हमेशा अच्छा रहा है, काफी हमें रन्स यहाँ पे देखने को मिलते रहे हैं और रन्स बनते हैं, ये हमने इस आईपीएल में भी देखा है। लेकिन हमें जब 4-5 मैचेस होते हैं तो एक आधा मैचेस ऐसे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, और यही कल हुआ। तो बैटिंग पैराडाइज के रूप में इस जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है इसको जाना जाता है, और मैंने आपको कल भी एक चीज क्लियर की थी कि थोड़ी थोड़ी जो क्रैक्स है वो पिच पे दिखने लगी है, जिससे कि स्विंग देखने को मिल सकता है। और शायद उसी ने प्रॉब्लम की जब जयदेव उनाडकट बॉलिंग करने आए और जो क्रिस वोक्स है वो भी काफी स्विंग कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत क्रैक्स देखने को मिले, लेकिन अभी भी सपाट पिच है, अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा हो मुझे लगता है कि बैट्समैन के फेवर में मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो मुझे लगता है कि यहाँ से 170 रन्स बनने चाहिए, स्पेशली अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बैटिंग करे तो आई होप कि 180-190 रन्स बनेंगे और उस टारगेट को है वो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है वो चेस कर सके। अब देखिए, यहाँ पे जो लास्ट 15 मैचेस खेले गए हैं वहां पे टोटल
जो पेसर्स है उनको 111 विकेट्स मिली है, जो फास्टर्स है उनको 111 और जो स्पिनर्स है उनको 44। और कल के मैच में भी आपने देखा कि स्पिनर्स कुछ खास नहीं कर पाए, तो स्पिनर्स के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि हेल है यहाँ पे। स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं, ज्यादा रन वगैरह मिलता नहीं है, और तो मुझे लगता है कि पेसर्स आपकी टीम में ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए वानखेड़े स्टेडियम की जो बाउंड्रीज की लेंथ है, तो फ्रॉम सेंटर जो पिच है वहां से जो मैदान की बाउंड्रीज है वहां पे मुझे लगता है कि 70 मीटर की है, 70 मीटर की है, सामने से शायद स्ट्रेट की 72 हो सकती है, बाकी आपको चारों तरफ से 70 मीटर की बाउंड्रीज मिलेगी जो यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम की पिच है। टॉस फैक्टर वैसे इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम पे जितना हमने देखा है कि इस साल इस वानखेड़े स्टेडियम पे टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं कि टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से आपको क्लियर कर दूं कि जो 10 मैचेस है, ये देखिए 10 मैचेस है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी के, और 3 मैचेस इसी आईपीएल के खेले जा चुके हैं। और जब 13 को हम लोग काउंट करते हैं तो 13 में से जो 11 मैचेस है वो सेकेंड इनिंग्स यानी कि टारगेट को चेस करने वाली टीम ने विन किया है, यानी कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना यानी कि टारगेट को चेस करना आसान हो रहा है। इसीलिए जो भी कैप्टन टॉस विन कर रहा है वो बॉलिंग करने का फैसला ले रहा है। एक एक चीज को सुनिएगा और उसे आपको किसी की टीम को कॉपी नहीं करना, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपको वीडियो देखना है और उसके अकॉर्डिंग टीमें बनानी है। अब देखिए रिसेंट के जो मैचेस खेले गए हैं उसको लेके बात करें तो पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि चेन्नई ने 188 बनाए और दिल्ली ने इस टारगेट को चेस किया। टोटल 10 विकेट्स गिरी, 8 फास्टर्स को, 1 स्पिनर्स को, 1 रन आउट। मोइन अली ने 36 किए, सुरेश रायना ने 54 किए, इसी मैदान की बात कर रहा हूं, इसी साल की। सैम करन ने 34 किए और शार्दुल ठाकुर को यहाँ पे 2 विकेट मिले। उसके बाद यहाँ पे पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ, जहां पे 221 बने और राजस्थान ने लगभग टारगेट को बना लिया था, केवल 4 रन से हारी। टोटल 13 विकेट्स, फास्टर्स को 12, 1 स्पिनर्स। केएल राहुल ने 91, गेल ने 40, दीपक हुड्डा ने 64, मोहम्मद शमी ने 2 और अर्शदीप सिंह को यहाँ पे 3 विकेट मिले। अब जो कल का मैच खेला गया, जैसा कि मैंने अनएक्सपेक्टेड कहा, दिल्ली ने 147 रन किए 8 विकेट पर और राजस्थान रॉयल्स ने 150 किए, यानी कि टारगेट को चेस किया। टोटल 15 विकेट्स, फास्टर्स को 13, स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिली और रन आउट हुए 2। अब इन तीनों मैचेस को जब आप लोग बारीकी से देखेंगे तो एक चीज तो ये है कि टारगेट को चेस करना आसान हो रहा है, दूसरी चीज कि विकेट जब आप लोग काउंट करेंगे तो मैक्सिमम विकेट आप मान लीजिए कि फास्टर्स के ही है, स्पिनर्स के कुछ नहीं है। 3 मैच में केवल 2 विकेट्स है जो कि स्पिनर्स को मिली है, बाकी कंप्लीटली या तो 4-5 रन आउट है या फिर सभी विकेट्स है जो कि फास्टर्स के हैं। तो मुझे लगता है कि बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, टारगेट चेस करना आसान हो रहा है। 3 में से 2 मैचेस में टारगेट चेस हुआ, एक जो मैच रहा वहां पे भी कम से कम टारगेट मैक्सिमम चेस हो चुका था, केवल 4 रन से हारे। तो बढ़िया पिच है, जो भी कैप्टन टॉस विन करेगा वो बॉलिंग करने का फैसला लेगा। उसके बाद हेड टू हेड मैचेस, जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेली है लास्ट सीजन, तो किंग्स इलेवन पंजाब ने 178 किए थे 4 विकेट पर और चेन्नई ने इस टारगेट को चेस कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन करते हैं चेन्नई वर्सेस पंजाब किंग्स का, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप मैचेस भी देखेंगे तो चेन्नई आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नजर आएगा किंग्स इलेवन पंजाब से। यहाँ पे केएल राहुल ने 63 किए थे, निकल्स पुरन ने 33, फाफ डू प्लेसिस ने 87, वॉटसन ने 83 और शार्दुल ठाकुर को यहाँ पे 2 विकेट्स मिली थी। उसके बाद दूसरा जो मैच हुआ जहां पे किंग्स ने 153 किए थे 6 विकेट पर, इस टारगेट को भी चेन्नई ने बहुत ही आसानी से, यानी कि लास्ट सीजन तो चेन्नई ने पंजाब को बहुत ही आसानी से मात दी थी। यहां पे केएल राहुल ने 29 किए, दीपक हुड्डा ने 62 किए, ऋतुराज गायकवेड़ ने 62 किए, फाफ ने 48 किए, लुंगी इंगिडी को 3 विकेट मिले। अब लुंगी इंगिडी को लेकर अपडेट्स है कि वो अवेलेबल हो चुके हैं, अब खेलेंगे किसकी जगह ये आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। यहां से केएल राहुल ने दोनों मैचेस में रन किए, पहले मैच में ज्यादा किए, दूसरे मैच में एवरेज था। यहाँ पे एक मैच में दीपक हुड्डा ने किए, निकल्स पुरन ने कुछ खास नहीं किया दोनों ही मैचेस में, ऋतुराज गायकवेड़ ने एक मैच में 62 किए, यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस ने दोनों मैच में रन किए। तो यहाँ पे जब दोनों मैचेस को देखेंगे तो फाफ डू प्लेसिस और जो केएल राहुल है वो यहां से आपके लिए इंपोर्टेंट निकल के आते हैं, बाकी मयंक अग्रवाल वगैरह सब फ्लॉप रहे थे इन दोनों ही मैचेस में। अब
पंजाब किंग्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसको लेके बात करें, उससे पहले मैं आपको जो हमारे गिवे का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा कैचेस कौन लेगा। जी हाँ, हमारे गिवे का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा कैचेस कौन लेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं। देखिए, यहां से पंजाब किंग्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके की हो सकती है। अब अगर इस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहां पे सारी अपडेट्स मिल जाएगी। यहां से दीपक हुड्डा और निकल्स पूरन की जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। अगर जल्दी विकेट्स गिरती है तो फिर दीपक हुड्डा आएंगे, और अगर थोड़ा सा लेट विकेट्स गिरती है तो मुझे लगता है कि निकल्स पूरन है वो प्रमोट हो सकते हैं। लास्ट मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बैटिंग का उतना मौका मिला नहीं। यहां से लास्ट मैच का जो बॉलिंग स्टेट्स रहा, 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, जहां पे झाय रिचर्डसन 4 ओवर 1 विकेट, रिली मैरिडिस 4 ओवर 1 विकेट, मुर्गन अश्विन 4 ओवर 0 विकेट, अर्शदीप सिंह को 3 विकेट मिली और मोहम्मद शामी को यहां पे 2 विकेट मिली थी लास्ट मैच में। सीएसके की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके की होगी। अब अगर इस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट मैच में इनका जो बॉलिंग स्टेट्स रहा, इन्होंने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, चेन्नई ने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था। मोइन अली 3 ओवर 0 विकेट, रविंद्र जडेजा 2 ओवर 0 विकेट, सैम करन 2 ओवर 0 विकेट, डीजे ब्राव 4 ओवर 1 विकेट, शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 2 विकेट और दीपक चहर 4 ओवर 0 विकेट। अब देखिए, लास्ट मैच में मैंने आपको जैसे कि बोला था कि रविंद्र जडेजा की ओवर्स कट सकते हैं सामने वाले टीम में ज्यादा बाएं हाथ के बैट्समैन थे, तो इस मैच में भी निकोलस पूरन या फिर क्रिस गेल अगर ज्यादा खेलते हैं, अगर वो आउट नहीं होते हैं, ज्यादा अगर खेल जाते हैं, तो फिर रविंद्र जडेजा की ओवर्स यहां पे फिर से कटेंगे और मोइन अली है जो कि अपने ज्यादा ओवर्स करेंगे। लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं फिर रविंद्र जडेजा बॉलिंग करेंगे, मोइन अली की ओवर्स कट जाएंगे। इसके अलावा हेड टू हेड मैचेस को लेके बात करते हैं, यानी कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो कौन सा प्लेयर क्या करता है। तो यहां से मयंक अग्रवाल का 17 का एवरेज है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, यानी कि मयंक अग्रवाल ज्यादा नहीं कर पाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलते हुए, फ्लोप रहे हैं। क्रिस गेल का 21 का एवरेज है तो ये भी फ्लोप रहे हैं। दीपक हुड्डा ने 1 मैच खेला है उसमें 62 किए हैं। उसके अलावा निकोलस पूरन का 23 का एवरेज है और लोकेश राहुल का 43 का एवरेज है, यानी कि जो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है ना उसमें केवल एकमात्र खिलाड़ी केएल राहुल है जिनका 30 से ऊपर का एवरेज है, बाकी सारे के सारे 21-25 के अराउंड लटके हुए हैं। यानी कि यही मैं चीज बोल रहा था कि चेन्नई के अगेंस्ट है वो पंजाब किंग्स इलेवन के जो प्लेयर्स है वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। डीजे ब्राव का 51 का एवरेज है। जी हाँ, डीजे ब्राव 12 मैचेस खेल चुके हैं, 12 मैचेस में 155 रन है और 12 के 12 मैचेस में इनको बैटिंग का चांस नहीं मिला है। मुझे लगता है कि 5 से 6 मैचेस में इनको बैटिंग का चांस मिला है। एमएस धोनी का 58 का एवरेज है। तो देखिए, पंजाब के खिलाफ खेलते हुए एमएस धोनी हमेशा शानदार रहे हैं, 58 का एवरेज है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो कंफ्यूजन में डालता है कि ये इतना नीचे क्यों आते हैं, अदरवाइज शानदार है। फार डुप्लेसी का 53 का एवरेज है। उसके अलावा ऋतुराज ने 1 मैच खेला है, 62 का एवरेज, और सुरेश रैना का 44 का एवरेज है। अब एक तो पंजाब किंग्स की टीम थी जिसके सभी प्लेयर्स के एवरेज 21-25 के अराउंड अटक रहे थे, अब चेन्नई के प्लेयर्स की बात करें तो सबके एवरेज 40 से ऊपर के हैं। तो इसीलिए बोल रहा था कि चेन्नई ऐसे वाला मामला है कि पंजाब और चेन्नई ऐसा वाला मामला है, बाकी देखिए कुछ भी हो सकता है। मुर्गन अश्विन 3 ओवर 0 विकेट, रवि बिश्नोई 2 ओवर 0 मैच 0 विकेट, डीजे ब्राव 12 मैच 14 विकेट, दीपक सैफ 6 मैच 2 विकेट, सैम करन 2 मैच 0 विकेट, रविंद्र जडेजा 16 मैच 10 विकेट, लुंगी इंगिडी 2 मैच 7 विकेट, शार्दुल ठाकुर 4 मैच 7 विकेट। यानी कि शार्दुल ठाकुर और लुंगी इंगिडी काफी शानदार है किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट। तो ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। सॉरी, अब 6 ओवर्स का पावर प्ले स्टेट, यानी कि जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पे जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं वहां पे 6 ओवर्स में क्या कुछ घटा है।
पहला मैच जहां पे सात रन पे दो विकेट गिर गए थे पावर प्ले में सात रन पे दो विकेट गिर गए थे चेन्नई के, ये मैच था चेन्नई के ही गिरे थे। और दूसरे सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं गिरा जहां पे पृथ्वी शो और शिखर धवन ने आसानी से मैच विन कराया। दूसरा मैच 22 रन पर एक विकेट इन फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में 25 पे दो विकेट। तीसरा मैच 36 पे तीन विकेट जो कि कल ही का मैच था और सेकंड इनिंग्स में भी 17 रन पे तीन विकेट इन पावर प्ले। अब मैं आपके लिए ये चीज क्यों लेके आया हूं, मैं आपके लिए ये चीज इसलिए लेके आया हूं कि जब आप इन तीनों मैचेस को देखेंगे तो 6 इनिंग्स टोटल खेली गई है तीन मैचेस में, 6 में से 5 इनिंग्स ऐसी है जहां पे पावर प्ले में विकेट्स गिरी है, यानी कि जो ओपनर्स आ रहे हैं वो उनमें से एक तो पक्का ही आउट होके जा रहा है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई दो अच्छे ओपनर्स आ रहे हैं तो मैक्सिमम लोग दोनों के साथ जाते हैं, तो यहां से रिकॉर्ड्स देख के आप पता लगा सकते हैं कि पावर प्ले में विकेट्स गिर रही है तो उनमें से एक आउट हो सकता है। तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेयर्स बैटल में लोकेश राहुल को दीपक चहर एक भी बार आउट नहीं किया है, दीपक चहर ने लोकेश राहुल को इनफैक्ट पिटाई भी हुई है। शार्दुल ठाकुर ने एक बार आउट किया है लेकिन पिटाई भी खासी हुई है। उसके बाद डीजे ब्राव को एक बार भी आउट नहीं किया है, सैम करन ने एक बार आउट किया हुआ है, रविंद्र जडेजा एक भी बार आउट नहीं किया हुआ है। और मुझे लगता है कि लोकेश राहुल और जो मयंक अग्रवाल है वो अगर ज्यादा देर तक टिके, अगर पावर प्ले में आउट नहीं होते हैं तो बाद में रविंद्र जडेजा का इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज को आप लोग मान के चलिए। मयंक अग्रवाल टू रविंद्र जडेजा वन टाइम्स आउट किया हुआ है, डीजे ब्राव ने भी एक बार आउट किया हुआ है। उसके अलावा क्रिस गेल टू डीजे ब्राव 7 टाइम्स आउट किया हुआ है। जी हाँ, क्रिस गेल को डीजे ब्राव ने 7 मर्तबा आउट किया हुआ है, 143 बॉल 240 रन, यानी कि पिटाई भी खासा किया क्रिस गेल ने। आई थिंक मुझे लगता है कि 160 प्लस का स्ट्राइक रेट है डीजे ब्राव के अगेंस्ट क्रिस गेल का, लेकिन आउट भी 7 बार किया हुआ है। उसके अलावा दीपक चहर ने एक भी बार आउट नहीं किया, रविंद्र जडेजा ने एक बार आउट किया हुआ है। और रविंद्र जडेजा की पिटाई देखिए आप, 21 बॉल 51 रन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि निकोलस पूरन और क्रिस गेल के सामने मुझे नहीं लगता है कि रविंद्र जडेजा ज्यादा ओवर्स डालेंगे। दीपक हुड्डा टू दीपक चहर एक बार आउट, शार्दुल ठाकुर टू ठाकुर ने 0 बार आउट किया हुआ है, इनफैक्ट पिटाई भी हुई है, हुड्डा ने पिटाई किया है शार्दुल ठाकुर की। डीजे ब्राव 16 बॉल में एक बार आउट किया हुआ है, रविंद्र जडेजा 22 बॉल एक विकेट। निकोलस पूरन की बात करें तो दीपक चहर ने एक बार आउट किया हुआ है निकोलस पूरन को, शार्दुल ठाकुर ने 2 बार और डीजे ब्राव ने निकोलस पूरन को 3 मरतबा आउट किया हुआ है, 35 बॉल 50 रन और 3 टाइम्स आउट किया हुआ है। उसके अलावा फाफ डुप्लेसी टू मोहम्मद शमी एक बार आउट और मुर्गन अश्विन 0 बार आउट किया हुआ है। फाफ डुप्लेसी ने मोहम्मद शमी की काफी पिटाई की है। सुरेश रैना टू मोहम्मद शमी एक भी बार आउट नहीं और मुर्गन अश्विन ने एक बार। अंबाती रायडू टू जाय रिचर्डसन एक बार आउट किया हुआ है, वो भी ओडीआई में। अब जो किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर्स हैं वो ज्यादा उनका चेन्नई के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मैचअप है नहीं, सभी नए प्लेयर्स बॉलर्स हैं। अंबाती रायडू टू जाय रिचर्डसन एक बार आउट, वो भी ओडीआई में। मोहम्मद शमी एक बार आउट। एमएस धोनी को क्रिस जॉर्डन ने 2 बार आउट किया हुआ है और मोहम्मद शमी ने एक भी बार आउट नहीं किया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको डेथ बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई की तरफ से शार्दुल ठाकुर और डीजे ब्राव, जी हाँ, शार्दुल ठाकुर और डीजे ब्राव हो जो कि आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। बाकी शुरुआत में दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर का एक ओवर सेम करन, पावर प्ले में ये 3 गेंदबाजी करेंगे, मैक्सिमम सेम करन और दीपक चहर ओवर डालते हैं। मोइन अली का मैंने आपको बता दिया कि प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि कितने ओवर डालते हैं। और यहां से पंजाब की जो डेथ की बॉलिंग रहेगी वो आई थिंक मुझे लगता है जाय रिचर्डसन और मोहम्मद शमी, जी हाँ, जाय रिचर्डसन और मोहम्मद शमी है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ड्रीम इलेवन पे लेके चलता हूं, जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस करते हैं कि आपको कहां पे किसको ले सकते हैं। देखिए, विकेटकीपर में केएल राहुल है, एमएस धोनी है, निकोलस पूरन है। आई होप कि ये तीनों खेलेंगे और मुझे लगता है तीनों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ये हम लोग बात करें कि आप यहां से किसको लेंगे, उससे पहले हमारे जो गिवे का सेकंड क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारे जो गिवे का सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि पहला क्वेश्चन था कि आज के मैच में सबसे ज्यादा कैचेस कौन लेगा, सेकंड क्वेश्चन है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन देगा। जी हाँ, आज के मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन देगा, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। लेकिन वीडियो लाइक करना, अगर वीडियो लाइक नहीं करोगे, कमेंट आपका अगर सही होगा
अगर आंसर सही होगा तो भी प्राइज नहीं मिलेगा। अभी विनर्स को लेके बात करेंगे थोड़ी देर में। यहां से मैं स्मॉल लीग में केएल राहुल को लेके चलूंगा। देखिए स्मॉल लीग में केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहां से मैं स्मॉल लीग में है वो केएल राहुल को लेके चल रहा हूं। एमएस धोनी, अब एमएस धोनी सेकंड इनिंग्स में अगर टारगेट को चेस कर रही होती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, तो वहां पे तो मैं एमएस धोनी को लेके नहीं चलूंगा। बाकी देखिए अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बैटिंग करे तो उस कंडीशन में आप लोग एमएस धोनी को ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, एज ए डिफरेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। बाकी निकोलस पूरन है, तो यहां से देखिए निकोलस पूरन को जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोग या तो ऐसा कर सकते हैं कि क्रिस गेल और निकोलस पूरन इन दोनों में से एक को लेके चल सकते हैं, या फिर दीपक हुड्डा और जो निकोलस पूरन है इन दोनों में से एक को लेके चल सकते हैं। अगर किंग्स के जल्दी विकेट्स गिरते हैं देन आप ये मान सकते हैं कि जो निकोलस पूरन है दीपक हुड्डा पहले आएंगे, अदरवाइज निकोलस पूरन है वो आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। रायना को मैं लेके चलूंगा, यहां से क्रिस गेल को मैं लेके चल रहा हूं। मैं देखिए मैं ये जो प्लेयर्स ले रहा हूं ये मैं स्मॉल लीग के लिए ले रहा हूं, तो जो कि सबसे ज्यादा इनको सिलेक्शन है। ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रैंड लीग में आप किसको लेके चल सकते हैं, फाफ डुप्लेसी, इसको भी मैं लेके चलूंगा। यहां से अंबती रायडू की बात करते हैं। अंबती रायडू, देखिए गाइस अंबती रायडू को लेके अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि देखिए लास्ट मैच में क्या हुआ, लास्ट मैच में मोइन अली ने 3 नंबर पे बैटिंग की और 3 ओवर्स भी डाले। सो मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर यहां पे मोइन अली वंस अगेन 3 नंबर पे बैटिंग करने को आते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोइन अली के साथ जाइए। अदरवाइज जो कि टॉस के बाद अपडेट्स मिलती है, जैसे कि मैं आपको रोज भेजता हूं जहां पे बैटिंग ऑर्डर दिखाया जाता है, तो अगर उसमें अगर ये थोड़ा सा नीचे रहते हैं देन हम लोग अंबती रायडू के साथ जाएंगे, मोइन अली के साथ नहीं जाएंगे। जी हाँ, देन हम लोग अंबती रायडू के साथ जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको वो अपडेट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यहां से मयंक अग्रवाल को मैं, वैसे मयंक अग्रवाल का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट है वो फ्लोप रहे हैं, 17 का एवरेज है 5 मैचेस में। लास्ट सीजन भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक बार के लिए मयंक अग्रवाल के साथ जा रहा हूं। यहां से मैं दीपक हुड्डा गायकवाड़, देखिए गायकवाड़ यहां से लास्ट मैच में दीपक हुड्डा को लेके मैंने आपको जैसा कि बोला था कि आप दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन इन दोनों में से एक को ले सकते हैं। जी हाँ, निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा इन दोनों में से एक को लेके चल सकते हैं। यहां से गायकवाड़, जी हाँ गायकवाड़ यहां से आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। जी हाँ, ओपन करने आते हैं, लास्ट सीजन पंजाब के अगेंस्ट 62 रन कर चुके हैं गायकवाड़, यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। तो यहां से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप लोग जा सकते हैं, ओपन भी करने के लिए आते हैं। बाकी देखिए पंजाब की तरफ से शाहरुख खान है, स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, तो शाहरुख खान का उस वक्त इंपोर्टेंस बढ़ जाती है जब जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं, तो ये मान के हम नहीं चल सकते हैं कि जल्दी विकेट्स गिरेगी। बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद शमी और डीजे ब्रावो, इन दोनों के साथ मैं यहां से जा रहा हूं, या फिर डीजे ब्राउ नहीं, आप यहां से है वो शार्दुल ठाकुर को ले सकते हो, डीजे ब्राउ भी डेथ में गेंदबाजी करेंगे और आप मान के चलिए कि कभी स्लोवर डेथ में काफी बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं डीजे ब्राउ। यहां से अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में काफी शानदार रहे, तो सिलेक्शन भी काफी ज्यादा है, तो अर्शदीप को अगर आप लोग लेना चाहे आपके लिए चॉइस बनती है। मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से जायर रिचर्डसन, जी हाँ जाय रिचर्डसन के साथ जा रहा हूं। अब एक और मेरा जो बॉलर लेने की इच्छा थी वो थी किस पे, वो थी यहां से जो रैली मैरेडिथ है। जी हाँ, रैली मैरेडिथ को मैं लेने की कोशिश कर रहा था, यहां से रैली मैरेडिथ को आप लोग है वो टीम में लेके चल सकते हैं। हमने यहां से रैली मैरेडिथ को है वो बिग बैश में, अगर बिग बैश में आपने देखा होगा तो बिग बैश में बहुत शानदार करके आ रहे हैं रैली मैरेडिथ, काफी विकेट्स इनके नाम है, काफी बढ़िया हाइट से गेंदबाजी कर लेते हैं, तो रैली मैरेडिथ। बाकी देखिए अभी हम 3 बॉलर्स के साथ ही जा रहे हैं पिच को देखते हुए, बाकी अगर लास्ट टाइम अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो फिर हम रैली मैरेडिथ को भी लेके चलेंगे। यहां से दीपक चहर, शुरुआत में ही इनसे 3-4 ओवर्स डलवाए जाते हैं, तो अगर ज्यादा वॉन्केटे पर स्विंग देखने को मिलता है, जी हाँ जो स्विंग है वहां पे जो करते हैं जैसे कि क्रिस वर्क्स और जैदे उनाडकट ने कल विकेट्स निकाली, तो वैसा दीपक चहर भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, वही पिच पे मैच खेला जाने वाला है। उसके अलावा यहां से मुझे कोई लग नहीं रहा है लुंगी एंगिडी के आपको लेकर कोई अपडेट है नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेकर बात करते हैं, सिंपल सी बात है, सेफ कैप्टन यहां से आपके लिए केएल राहुल रहेंगे जिसका सिलेक्शन 37% है। जी हाँ,
केएल राहुल का जो सिलेक्शन है वो 37% है, तो डायरेक्ट अगर सेफ जाना चाहो तो यहां से आप लोग लोकेश राहुल के साथ ही जा सकते हो। अदरवाइज यहां से आपके लिए फाफ डुप्लेसी, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बैटिंग करे तो यहां से आप लोग फाफ डुप्लेसी को भी कैप्टन रख सकते हो। अदरवाइज देखिए यहां से केएल राहुल है, केएल राहुल के साथ हमें जाना है, अगर वो आपको सेफ जाना है, आपके लिए डिफरेंशियल जो बनते हैं वो यहां से फाफ डुप्लेसी बनते हैं। वाइस कैप्टनसी मैं यहां से है वो सुरेश रैना को दे रहा हूं। अब सुरेश रैना का थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अगर ऊपर होगा, तीन नंबर पे वैसे इनको रखा जाता है, तो आई होप कि वो तीन नंबर पे ही बैटिंग करें, तो यहां से सुरेश रैना। और मैंने ऑलराउंडर सेक्शन की यहां से बात नहीं की, ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा है। जी हाँ, ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा है, तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि जडेजा है वो ओवर कम मिल सकते हैं और थोड़ा नीचे भी आते हैं, सेम करण है, तो आप लोग सेम करण के साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाकी लास्ट मैच में बैटिंग करने का आप अगर मानते हैं कि एज ए ऑलराउंडर हम ले रहे हैं तो वो उसी कंडीशन में होगा जब जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं, अदरवाइज इनको बैटिंग का चांस नहीं मिलेगा। तो यहां से मोइन अली को लेकर मैंने आपको बता दिया कि आप लोग किस कंडीशन में जा सकते हो, अदरवाइज आपको जो क्या नाम है उनका अंबती रायडू, उनको आपको सेलेक्ट करना है। यहां से टीम का प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा रहेगा। जी हाँ, यहां से प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा रहेगा। अब हमारे मैच के कल के जो गिवअवे के विनर है उनका नाम है, जो सबसे पहले हमारे जो विनर है उनका नाम है रवि भागवत। जी हाँ, रवि भागवत इनका नाम है जो हमारे सबसे पहले विनर है, और जो सेकंड विनर है वो है विकास जिग्नेश। जी हाँ, पहले विनर रवि भागवत, दूसरे विनर है विकास जिग्नेश। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों अपने बैंक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराए ताकि इनका अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। टीम का प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।